अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? बड़े अरसे के बाद वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, ज़रूरत थी भी। दरअसल 1446 सन हिजरी में गवर्नमेंट ने जो तब्दीलियाँ की हैं वो इन्फॉर्मेशन अभी तक आप तक नहीं पहुँच सकी है। हर कोई अपने अपने जावी अपने अंदाज के मुताबिक मालूम ले रहा है और ज़ायरीन तक बातें पहुँच रही हैं। नूरुल अरमीन ट्रेवल इस पर क्या काम कर रहा है, क्या इन्होंने इंतजाम किए हैं ज़ायरीन के लिए, तो ये समझना ज़रूरी है। हमारा ज़्यादातर काम शटल सर्विस पे चलता है, तो शटल सर्विस के हवाले से हमारा आप तक ये तमाम शटल सर्विस के हवाले से इंतजाम के हवाले से ये बताना ज़रूरी है। कोबरी के अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं वो होटलों के हवाले से वो बताना ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। बात स्टार्ट करते हैं शटल सर्विस से। शटल सर्विस इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इंतजाम किए हैं वो इस अंदाज के इंतजाम हैं कि शटल सर्विस का इंतज़ाम ये चेंज किया गवर्नमेंट ने, जो शारह तकवा और शारह इब्राहिम खलील पर जो होटल मौजूद हैं उनकी शटल सर्विस दो गाड़ियों के जरिए हो रही है। यानी कि शटल सर्विस जो जो गाड़ी क्लॉक टावर के बेसमेंट में उतार रही है वो दो गाड़ियों के जरिए इस टाइम पे ज़ायरीन जा रहे हैं। तो क्योंकि ये एक नई सी बात है ज़ायरीन के लिए, ये रमज़ान में पहले रमज़ान शरीफ में हो रहा था लेकिन अब गवर्नमेंट ने मुस्तकिल तौर पर ये तकरीबन कर दिया। आज हम बैठे में 9 सितंबर में, तो इस वक्त तक तो ये चीज़ें आने वाले वक्त में चेंज हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए अब दो शटल सर्विस का मतलब ये है कि जो हज कर आए हैं वो इस बात को समझते हैं कि गवर्नमेंट शटल की गाड़ी लेके जाके पार्किंग में उतारेगी, पार्किंग से गाड़ी लेकर गवर्नमेंट की गाड़ी लेकर वो आपको जाके उतारेगी क्लॉक टावर के बेसमेंट में। तो ये एक अच्छी बात भी है लेकिन एक ये थोड़ी सी दुश्वार गुजार बात भी है। तो हम इस मामले को बहुत बारीकी से हमने देखा। स्टार्ट में हमारे ज़ायरीन को भी इस मामले से गुजरना पड़ा क्योंकि एक ही दम जब ज़ायरीन वहाँ पहुँच चुके और ये इंतजाम गवर्नमेंट ने उनका फैसला तो लासर आंखों पर, तो इसलिए इन तमाम चीज़ से ज़ायरीन गुजर रहे थे। तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इंतजाम किए हैं। हमारा जो होटल है वो शारह अजियात पर मौजूद है। शारह अजियात की जो शटल सर्विस है वो क्लॉक टावर के बेसमेंट में गाड़ियाँ उतार रही हैं। तो नूरुल अरमीन ट्रेवल का शुरू से ही ये अंदाज रहा है, ये हमारी सोच है कि ज़ायरीन अल्लाह के मेहमान हैं, उनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियात हो सके वो दें। तो एक मुख्तसर अगर हम मैसेज दे सकें तो जो ज़ायरीन हमसे पहले होकर आ चुके हैं और अब्राजुल कस्बा में जिनकी रिहाइश वो करके आ चुके हैं और उन्होंने अब्राजुल कस्बा की जो शटल सर्विस यूज़ की है ये उस लेवल पर शटल सर्विस, इस तरीके से समझिए आप। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़े फ़ायदे की बात है। अभी इस बात की अहमियत को वही लोग समझ पाएंगे कि जो नूरुल अरमीन ट्रेवल से सफ़र करके आ चुके हैं, जो पहले हमारी बातों को देख चुके हैं अच्छे अंदाज में, इंशाल्लाह ताला वो इस वक्त वो फ़ायदा उठाएंगे आने वाले वक्त में भी नूरुल अरमीन ट्रेवल की सर्विसेज से। दो गाड़ियां कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसके कोई सिस्टम में तब्दीली कोई ऐसी बात है जो उसके लिए परेशानी का बाइस बन रही हो, बस दो गाड़ियाँ और एक गाड़ी। तो एक गाड़ी के जरिए फिर शटल सर्विस हमारी 2-3 मिनट की इसका शटल का ड्यूरेशन है। क्लॉक टावर के बैक साइड पे गाड़ी उतारती है हमारी, तो बताने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि भाई कि दो गाड़ियाँ और एक गाड़ी के मामलात में फ़र्क है। तो उसमें जो आज ही परेशान हो रहे हैं दो गाड़ियों के लिए, तो वो भी अपने हिसाब से ट्रैवल एजेंट बेच रहे हैं, किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है। लेकिन मैं किसी ट्रैवल एजेंट की या किसी होटल की बुराई नहीं कर रहा हूँ या ख़राबी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपने होटल की अच्छाई बता रहा हूँ आपको कि नूरुल अरमीन ट्रेवल आपके लिए क्या कर रहा है। मदीना शरीफ में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना ज़ाती होटल है, हमने होटल के लिए इंतजाम किए शटल के, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे शटल सर्विस है और हमारा हाजी बहुत खुश होकर बहुत इत्मीनान से वहाँ से वापस आ रहे हैं जो शटल सर्विस का होटल जिन्होंने इस्तेमाल किया और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डालेंगे, उसके हाजियों के जो रिव्यू है वो भी हम इसमें भेजेंगे, वो देखिएगा आप, इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा आपको। और इसके अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंपलसरी कर दिया है, हमने ये एक अच्छी खबर आपके लिए है कि कंपलसरी हमने कर दिया कि सुलह हुदैबिया से उमरा। आप किसी भी तरीके का पैकेज खरीदें, मक्का मदीना शरीफ की ज़ियारत, मस्जिद जाराना से उमरा, वादिय जिन का टूर, कुरान फैक्ट्री, ये हमने कंपलसरी रखा हुआ है हर ज़ायरीन के लिए। जैसा भी पैकेज खरीदें हमारे पास ये ज़ियारत होगी। इसके साथ साथ एडिशन हमने अब सुलह हुदैबिया से उमरा कर दिया है कि आपको इंशाल्लाह ताला सुलह हुदैबिया से उमरा मिलेगा। अब मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि ताइफ बदर भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हमारे पैकेज में शामिल है लेकिन हर पैकेज में ये चीज़ें शामिल, ताइफ बदर कुछ कराते हैं कुछ नहीं करवाते हैं, कुछ लोग ऐड करवाते हैं ताइफ बदर को कुछ लोग ऐड नहीं कराते। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर एक तवज्जो तलब ये कर पाऊँगा, बाज़ोकात किसी हाजी का अगर सुलह हुदैबिया रह भी जाता है या किसी की कोई ज़्यारत रह जाती है तो हम उनसे माजरत खाएँ, अगर किसी वजह से रह भी जाती है तो आएँ और आके हमसे आप अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं जो ज़्यारत के लिए हमने ऐड किए हैं।
लेकिन हमारी 1000% कोशिश होती है कि आपकी तमाम चीज़ें मुकम्मल और अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, लेकिन क्योंकि हम भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं 1% हमसे भी गलती हो सकती है, हमसे कुताही या हाजिरी से अनमैचिंग हो सकती है, तो इसके भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदारी हमें क्या होना चाहिए था और हमारी कोशिशें भी होती हैं और लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई नूरुल अरमान ट्रेवल हम वक्त ज़ायरीन के साथ मौजूद है, ज़ायरीन के लिए अच्छे से अच्छे मामला, कुछ इखलाक हमने स्टाफ रखा है। नूरुल अरमान ट्रेवल उन चंद कंपनियों में से है जिसका अपना ज़ाती स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, कसीर तादाद में स्टाफ रखा है, फिर ऊपर मेरा भाई वहाँ मौजूद है, मतलब एक भरपूर प्रोफेशनली अंदाज में हम ज़ायरीन को मतलब उनके मजहबी मामला मुकम्मल कराने की कोशिश करते हैं, मजहबी अंदाज का अपनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अंदाज गुजरे। मैंने प्रोफेशनली अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे यहाँ पर मसलक की बिगाड़ बहुत ज़्यादा है, वो ये ना समझे कि इमरान भाई अतारी हैं और अपने मामला राइज करते होंगे लोगों के ऊपर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रोफेशनली इसलिए इस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हमारा काम है वहाँ पर सर्विसेज देना और आपका काम है अल्लाह ताला को राज़ी करना, अपनी इबादतों को खुशगवार बनाना। जब इंतजाम हम अच्छे देंगे तो लाजमी इंशाल्लाह ताला आपकी इबादतों में खुशूखुजू आएगा, अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए। इंशाल्लाह ताला एक दो टॉपिक और हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, फिर इंशाल्लाह ताला उस पर भी बातचीत करेंगे। शुक्रिया जजाकल्लाह।